वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा हिंदी चैनल। और आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैनन 200D मार्क टू कैमरे को स्मार्टफोन से कनेक्ट करें और कैसे वायरलेसली इमेजेस को हम अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना ऐप डाउनलोड कर लेना है, कैनन कैमरा कनेक्ट ऐप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर के थ्रू। एक बार जब आपका ऐप इंस्टॉल हो जाए तो उसे आपको ओपन करना है। लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करते हुए आगे बढ़ना है। फोटो मीडिया एंड फाइल्स जो आपके हैं उनको अलाउ करने का परमिशन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आती है क्विक इंट्रोडक्शन। यहाँ पे ये गाइड आती है जिसमें ये बताते हैं कि कैसे आप अपने कैमरे को कनेक्ट करें, कनेक्ट टू कैमरा गाइड जो है ये। सबसे पहले ये डिवाइस का नाम देते हैं, उसके बाद अपनी गाइड को शुरू करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस गाइड को एग्ज़िट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बाकी काम हम अपने कैमरे में करते हैं। अब हम अपने कैमरे के सेटिंग्स को देखते हैं कि कैसे हम इसे कनेक्ट करें। कैमरे को ऑन करना है। इसे आप नॉर्मल शूटिंग मोड पे ले आइए। मेन मेनू में आपको यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क्स में आना है। उसके बाद ब्लूटूथ वाईफाई कनेक्शन। यहाँ पे एक डिवाइस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है लेकिन इस डिवाइस से हमें कनेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमने एक नया ऐप डाला है इस फ़ोन में, तो हमें एक नया कनेक्शन करना है। तो स्मार्टफोन से हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट वाया वाईफाई, हमें वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है क्योंकि हमें तेज कनेक्टिविटी चाहिए। ब्लूटूथ में काफ़ी स्लो ट्रांसफ़र होगी इमेजेस। अब ये आ गया आपका पासवर्ड। पासवर्ड जनरेट कर दिया कैनन के कैमरे ने अपना। अब इसकी जो नेटवर्क है इससे हमको कनेक्ट करना होगा कैमरे की वाईफाई नेटवर्क से। तो हमें जाना है अपने वाईफाई नेटवर्क्स में। यहाँ आपको वाईफाई नेटवर्क दिख गया कैमरे का। पासवर्ड डालना है। अपना पासवर्ड जो कैमरे में है उसे हमने इस फ़ोन में दे देना है। मैच कर लेना है कि भाई पासवर्ड सेम ही है ना। मैच करके आपको कनेक्ट कर देना है। सेव्ड हो गया। एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए अब आपको अपने ऐप में आना है। जैसे ही आप अपना ऐप खोलेंगे तो इसमें एक नोटिफिकेशन आएगा कि एक नया कैमरा उन्होंने डिटेक्ट किया है। आपको बस इस कैमरे को क्लिक कर देना है। अब हम क्लिक कर देने के बाद आपको फिर से अपने इस कैमरे के पास आना है। इसमें आपका मोबाइल का हैंडसेट मॉडल नंबर दिखेगा, इसे ओके कर देना है। कनेक्शन एक बार इस्टेब्लिश का मैसेज आ जाएगा आपके कैमरे में। उसी वक्त आपका स्मार्टफोन का ऐप भी रिफ्रेश हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन जो है आपके स्मार्टफोन्स में आ जाएंगे। इमेजेस ऑन कैमरा, ये ऑप्शन आ गया। ये सारी ऑप्शंस है। तो इमेजेस को अगर डाउनलोड करना है तो जैसे हम एक क्लिक किए, ये पर्टिकुलर इमेज है, इसे हमको डाउनलोड का बटन दबाना पड़ेगा। ये इमेजेस जो है अपनी कैमरे में आ जाएगी। रिड्यूस साइज में है कि ओरिजिनल साइज है? मैं प्रेफर करता हूँ ओरिजिनल साइज। यूज दिस सेटिंग्स फ्रॉम नाउ कि हर बार मुझसे ये पूछा ना जाए। ओके, ये आ गई हमारी इमेज कैमरे से इस स्मार्टफोन में। अब हमको क्या करना है कि देखना है कि क्या वीडियोस भी डाउनलोड होती है। तो ये जैसे एक वीडियो है, इसको हमने क्लिक किया डाउनलोड के लिए। अब चूंकि ये वीडियो फाइल है तो इसमें थोड़ी देर तो लगेगी लेकिन ये प्रोसेस चालू है। और हमारा वीडियो ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं कि वीडियो फाइल आई है कि नहीं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैनन 200D2 का एक एल्बम बन चुका है, और यहाँ पे एक इमेज है जिसे हमने खींचा था कुछ देर पहले, हाई रेजोल्यूशन इमेज। और हम वीडियो को अब चेक करेंगे, वीडियो फाइल आई है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो फाइल को प्ले करके देखते हैं। It is one of the best street shooting lens for now that you can keep on your camera as well as it can be your. अब हम इस वीडियो की प्रॉपर्टी को चेक करेंगे कि क्या वीडियो की प्रॉपर्टी में कुछ अल्टरेशन किया है। तो ये जो वीडियो है ये फुल HD जैसा हमने रिकॉर्ड किया था वैसा ही बिल्कुल आया है, और कोई भी अल्टरेशन इसमें नहीं की गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जैसा आपने वीडियो रिकॉर्ड किया था अपने 200D2 कैमरे से वैसे ही आपके फ़ोन में आ चुका है। अब आप चाहें तो इसे कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर से एडिट करके डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप इमेजेस और वीडियो दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था कनेक्शन ऐप गाइड कि किस तरह आप अपने इमेजेस और वीडियोस को ट्रांसफ़र करें। अब हम फिर से एक बार खोलते हैं कैमरा कनेक्ट ऐप और फिर से एक बार हम कनेक्ट करते हैं। ये होगा हमारा दूसरी बार कनेक्शन, एक बार ऑलरेडी हमने कर चुका है। तो हमें फिर नेटवर्क में जाना होगा, वायरलेस सेटिंग, वाईफाई, ब्लूटूथ कनेक्शन। यहाँ पे हमें दो फ़ोन दिख रहा है। आपको याद होगा जब हम पहली बार कनेक्ट कर रहे थे तो सिर्फ हमें एक फ़ोन मॉडल दिख रहा था। अभी हमें करेंट वाले पे क्लिक कर देना है और अब हमें अपने स्मार्टफोन में आना है। इसमें कैनन कैमरे के नेटवर्क से हमें कनेक्ट हो जाना है। कनेक्टेड हो चुका है हमारा इंटरनेट कैनन कैमरे के थ्रू। अब हमें वेट करना है। देखिए सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली आ गई, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब हम इसमें क्या कर और क्या क्या फैसिलिटी है, तो इसमें रिमोट लाइव व्यू शूटिंग है, इसमें आप रिमोट शूटिंग भी कर सकते हैं, रिमोट इमेजेस भी क्लिक कर सकते हैं। दूसरी बात है वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग भी ओपन कर सकते हैं, कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी जो भी आपकी एग्जिस्टिंग सेटिंग्स है उस पर। बाद बाकी आप बेसिक सेटिंग्स यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने स्टॉप कर दिया अपनी वीडियो को। वीडियो सेव होगी कैमरे में ही, बाद में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो ट्रांसफ़र भी हो रही है रिकॉर्ड भी हो रही है। बाद बाकी ऑटो ट्रांसफ़र ऑप्शन है, अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपकी इमेजेस ऑटोमेटिकली कैमरे से स्मार्टफोन में ट्रांसफ़र हो जाएगी। रिड्यूस फाइल साइज को हटाना मत भूलिएगा। फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो ये थी हमारी बेसिक कनेक्शन गाइड। आपको कैसा लगा हो आप ज़रूर हमें बताएं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।